इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम थिंकेबल में एक एफिलिएट लिंक शेयरिंग ऐप कैसे बना सकते हैं। तो हम इस ऐप में एफिलिएट लिंक शेयर करके देखेंगे। सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नाम है app.thinkable.com। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है ऐप पर। ऐप पर क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू ऐप, जो भी आप नाम का ऐप का नाम देना चाहें, और उसके बाद ओके। क्योंकि ये नाम मैंने पहले ही दे रखा था तो यहाँ पर एरर दिखा रहा था, मैं दूसरा नाम दे देता हूँ और उसके बाद ओके। उसके बाद स्क्रीन लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही स्क्रीन लोड हो गई तो हम यहाँ पर ऐप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर दो बटन लूंगा, एक बटन पर इमेज सेट करूंगा और दूसरे बटन पर टेक्स्ट। तो मैं एक बटन यहाँ से ले लेता हूँ और एक दूसरा बटन, और इनके बीच में स्पेस के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले देता हूँ। इसकी हाइट कर देता हूँ मैं यहाँ से 5%। आप जैसे भी सेटिंग करना चाहें, जैसा भी यूजर इंटरफेस रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। और एक मुझे चाहिए होगा एक्टिविटी स्टार्टर। एक्टिविटी स्टार्टर लेने के लिए मैं कनेक्टिविटी में जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर कनेक्टिविटी, और यहाँ से ले लूंगा एक एक्टिविटी स्टार्टर। क्योंकि मैं बटन वन और बटन टू दोनों पर ही सेम यूआरएल लगाऊंगा तो मुझे दो अलग अलग एक्टिविटी स्टार्टर लेने की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही एक्टिविटी स्टार्टर से काम हो जाएगा क्योंकि मैं एक ही एफिलिएट यूआरएल का यूज करूंगा यहाँ पर। अब मैं अपनी एफिलिएट लिंक ले लेता हूँ। मैं यहाँ गूगल में लिख देता हूँ अमेजन एफिलिएट। आप कहीं से भी अपनी एफिलिएट लिंक ले सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, या फिर आपकी कोई और वेबसाइट हो तो वहां से भी एफिलिएट लिंक ले सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले से अकाउंट है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉग इन। जिस भी प्रोडक्ट की आप एफिलिएट लिंक लेना चाहें उसे नीचे आकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फोन सर्च कर देता हूँ और गो पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये लोड हो रहा है। ये लोड होने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट को लेना चाहें यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं दूसरे वाले फोन पर क्लिक कर देता हूँ और ये लोड होना स्टार्ट हो गया। इसके लोड होने के बाद आप इस फोन की इमेज अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आने के बाद इमेज पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेजेस, और यहाँ पर .wep दिखा रहा है तो मैं इसे काटूंगा, और काटने के बाद दोबारा यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद सेव एस, यहाँ पर PNG या फिर JPG नहीं दिखा रहा है तो मैं इसे दोबारा से काट देता हूँ। इस पिक्चर को सेव करने के लिए हमें सबसे पहले मोबाइल फोन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। दोबारा से दिखा देता हूँ, ये मोबाइल फोन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो सी भी इमेज हो तो आपके पास ये वाली इमेज आ जाएगी। इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेजेस, और यहाँ से आप जहाँ पर भी इसे सेव करना चाहे वहाँ पे कर सकते हैं। इस इमेज का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इस इमेज का नाम कर देता हूँ मैं फोन और सेव। हमारी इमेज सेव हो चुकी है और मैं यहाँ से लिंक भी ले लेता हूँ। टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद लिंक लोड हो जाएगी। इसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेना है। उसके बाद थिंकेबल में आ जाता हूँ। थिंकेबल में आने के बाद जहाँ पे मैंने एक्टिविटी स्टार्टर लिया था उसके एक्शन में मुझे लिखना पड़ेगा android.intent.action.view। व्यू कैपिटल में लिखना है, और उसके बाद जो लिंक हमने कॉपी करी थी वो डाटा URI में पेस्ट कर देनी है। डाटा URI में पेस्ट कर देनी है। एक बटन के ऊपर मैं फोटो लगा देता हूँ। बटन वन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इमेज में अपलोड फाइल कर देता हूँ। अपलोड फाइल करने के बाद अपनी फोन की इमेज चूज कर लेता हूँ जहाँ पर भी मैंने सेव करी थी, और ये वो इमेज है। इस पर क्लिक करने के बाद ओपन और ओके।
इसके बाद जब ये इमेज लोड हो जाएगी तो आपके स्क्रीन पर ऐसे आ जाएगी। मैं इस बटन वन को सिलेक्ट रहने देता हूँ यहाँ से और इसकी हाइट कर देता हूँ मैं 60% और ओके। इमेज ऐसी हो जाएगी और इसकी विड्थ भी आप चाहें तो कम कर सकते हैं, विड्थ भी कर देता हूँ मैं इसकी 60% और ओके। तो अब इमेज यहाँ से ठीक हो चुकी है। इसकी इमेज के ऊपर से टेक्स्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, नीचे आता हूँ और बटन वन का टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से इमेज रह गई। जब कोई इमेज पे क्लिक करे तब भी वो एफिलिएट साइट पे पहुंच जाए या फिर बटन पे क्लिक करे तब भी एफिलिएट साइट पर पहुंच जाए। तो मैं बटन टू पर क्लिक करता हूँ और नीचे आने के बाद इस बटन टू को रिमूव करके यहाँ पे कर देता हूँ बाय बटन, बाय फोन, और उसके बाद कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद ब्लॉक सेक्शन में आ जाना है। ब्लॉक सेक्शन में आने के बाद वेन बटन वन डॉट क्लिक एक्टिविटी स्टार्टर वन पे क्लिक करना है। कॉल एक्टिविटी स्टार्टर वन डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे लाके इसे ड्रॉप कर देना है। उसी तरीके से बटन टू पे क्लिक करना है। बटन टू पे क्लिक करने के बाद वेन बटन टू डॉट क्लिक, और इसे यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं राइट क्लिक करके। डुप्लीकेट कॉल एक्टिविटी स्टार्टर वन डॉट स्टार्ट एक्टिविटी। अगर यहाँ पर दो अलग अलग लिंक होती तो मैं अलग अलग एक्टिविटी स्टार्टर का यूज करता। उसके बाद डिजाइनर सेक्शन में आ जाता हूँ और यहाँ पे इतना ही करना है इसे, और इसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, टेस्ट करके देख लेता हूँ। और इसकी AI लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको कुछ यूज करना हो उसका तो यूज कर सकते हैं। और ये हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है, इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं टेस्ट करने पे आ जाता हूँ और यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं इसे ट्रांसफर हो रहा है। और ये ऐप स्टार्ट हो चुका है। मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ, जैसे इमेज पर क्लिक करूंगा तो मैं एफिलिएट साइट पर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं अमेजन की साइट पर मैं आ चुका हूँ, या फिर आपने कोई और साइट का लिंक भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। वहां से मैं अपनी एफिलिएट साइट, कोई और वेबसाइट का लिंक भी देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे जैसे ही रिडायरेक्ट हुआ है वैसे ही सारी साइट्स भी रिडायरेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद बटन पे क्लिक करके देखता हूँ। जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं फिर से इसकी एफिलिएट साइट पर रिडायरेक्ट हो जाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।